अब आपको मैं अपने दुश्मनों को भस्मी करने के टोटके बताता हूं। आप इसके लिए बांस की जड़ प्राप्त करें और ये बांस की जड़ जो है आप एक नक्षत्र होता है जो नक्षत्र सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है, उस नक्षत्र में ये बांस आप खोद कर ले आइए, उसकी विधिपूर्वक पूजा कीजिए और अपने घर के दक्षिण दिशा में इसको स्थापित कीजिए, जिससे कि शत्रुओं का नाश हो जाता है और शत्रु कोई आपका दुश्मनी के लिए करता है तो आपसे वो दूर हो जाएगा और दुश्मन की कोई भी चाल आपके ऊपर नहीं चलेगी। इसको लाने के लिए आपको जो नक्षत्र है उस नक्षत्र में लाके उसी नक्षत्र में ही पूजा करना है। उस नक्षत्र का नाम है, आप समझ लीजिए कि रेवती नक्षत्र है। उस रेवती नक्षत्र में उसको आप ले आइए और अपने घर में स्थापित कीजिए। जैसे वह स्थापित होगा वैसे आपके शत्रुओं का विनाश होने लगेगा और कोई भी शत्रु आपके घर में आपके घर की तरफ देखने की भी साहस नहीं करेगा, जिससे आपका घर शत्रुओं से पूर्ण सुरक्षित हो जाएगा। ओम श्री ह्रीम क्लीम महाकाली नमः। ओम श्री ह्रीम क्लीम महाकाली नमः। ओम श्री ह्रीम क्लीम महाकाली। इस मंत्र से उस बांस की जड़ को आप 121 बार अवतरित कीजिए, उस पर सिंदूर का तिलक लगाइए, उसको क्या है कि आप गंगा जल छिड़किए और उसको क्या है कि किसी लाल धागे से बांध कर और अपने घर के कोने में स्थापित कीजिए। माँ काली की कृपा से आपके घर में शत्रु कभी नहीं आएंगे और शत्रु बाधा आपको नष्ट हो जाएगी। ओम महाकाली, ओम महाकाली।